आरएस बाली जी को यहाँ का प्रभारी बनाया है। यंग है, काम करने की क्षमता है और लाइजनिंग उनकी अच्छी है। देखिए अभी तक डेट तो फाइनल हुई नहीं है, आज ही पालमपुर का इलेक्शन हुआ है और वहाँ पे कांग्रेस ने अपने महापौर उप महापौर बनाए हैं और धर्मशाला के लिए अभी डेट नोटिफाई नहीं हुई। देखिए जो भी मेयर बने, चाहे वो पालमपुर में बने, धर्मशाला, शिमला, मंडी, जहाँ भी, शहर के प्रति एक उसके दिमाग में एक मैप रोड जो बोल सकते हैं हम, वो होना चाहिए और शहर के लोगों की बेहतरी के लिए, बेहतर जीवन यापन के लिए सभी सुविधाएं जो हैं वो उनको कैसे मिले, उसका सारा जो एक ब्लूप्रिंट है वो उसके दिमाग में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति से ऊपर उठ के वो व्यक्ति काम करे शहर के लिए, तो वो सबसे बेहतर मेयर होगा। देखिए बात सत्ता बदलने की नहीं है, बात धर्मशाला में, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम इतने सालों से चला हुआ और कुछ इलाके कॉरपोरेशन में ऐसे हैं जो अभी भी है तो कॉरपोरेशन, लेकिन उसमें भी कुछ रूरल एरिया ऐसा है जिनमें काम करने की ज़रूरत है और मेयर वही बने जिसका विज़न हो और जो काम करवाने की कैपेसिटी रखता हो। आरएस बाली जी को यहाँ का प्रभारी बनाया है, यंग है, काम करने की क्षमता है और लाइजनिंग उनकी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि बाली साहब के बनने से जो धर्म हमारे जो कॉरपोरेशन में जो हमारे काउंसलर हैं कांग्रेस के, उनके बीच का आपस का संवाद अच्छा रहेगा और जो भी आगे की रणनीति होगी उनके साथ बैठ के बना दी जाएगी। तो सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है और एक्ट में अमेंडमेंट करना भी सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो जो हाउस में जो आदमी बैठे हैं, जो हाउस के लिए इलेक्ट हो गया है, उन्हीं के बीच वोटिंग हो, वही लोग चुने जो हाउस में बैठते हैं, वो बेहतर तरीका है। लेकिन सरकार ने अगर ये किया है तो कुछ सोच कर किया होगा।